मीटिंग्स है यार, और उसी के लिए फटाफट फटाफट जल्दी से ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो रही है। वैसे कोविड के बाद ना एक चीज तो बढ़िया हो गई है भाई कि अब आजकल ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत काम होने लग गए हैं। बट सही है यार, सैल्यूट टू देयर सर्विस। मतलब यार इट्स नॉट अ इजी जॉब भाई, हम लोग तो मतलब ना। सो जी फिलहाल ये देख रहे हो इस मतलब पूरी आप देख रहे हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल अभी चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। भाई आज बैक टू बैक अपनी दो मीटिंग्स हैं यार, और उसी के लिए फटाफट फटाफट जल्दी से ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो रही है। ऑफिस पहुंचे हैं क्योंकि एक दो चीजें ऐसी हैं यार जो प्रिपेयर करनी थी मीटिंग से पहले, उनको रेडी करना पड़ेगा भाई अपने को ना। वैसे कोविड के बाद ना एक चीज तो बढ़िया हो गई है भाई कि अब आजकल ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत काम होने लग गए हैं। पहले जहाँ फिजिकली जाना पड़ता था वो चीज अभी भी है, वो रहेंगी हमेशा, बट मतलब फर्स्ट जो प्राइमरी फेज जो होता है ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही सॉल्व हो जाता है। तो वो सेकंड और फाइनल फेज में जाके फिजिकल पे बात आती है कि भाई आप आ जाओ मीटिंग, प्रॉपर मिलने वाला सीन होता है, अदरवाइज तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही काफी काम होने लग गए हैं। और ये देखो जी सुबह सुबह की भसड़, जल्दी में है हर बंदा, जल्दी में है तभी ट्रैफिक भी है, फिर भी ट्रैफिक है, मतलब तभी नहीं फिर भी ट्रैफिक है। ये देखो सुबह सुबह के लफड़े भाई, इधर खोद दिया उधर खोद दिया। मुझे लगता है ये भी ना जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मतलब डिगिंग वगैरह जो होती है, तो ये भी अपना मूड सेट करके आते होंगे कि भाई आज यहाँ खोद। बट सही है यार, सैल्यूट टू देयर सर्विस। मतलब यार इट्स नॉट अ इजी जॉब भाई, हम लोग तो मतलब ना अभी देखो जो यात्रा वगैरह करते हैं उसी में ही थोड़ी बहुत ट्रैवल के अंदर हैक्टिक तो शेड्यूल हो ही जाता है, तो उसी में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो इन लोगों को जो हाईली मतलब सनलाइट के अंदर ये काम करते हैं, तो भाई सैल्यूट है भाई। बहुत दिन हो गए हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि इधर जूस वाली शॉप है भैया से, वो जूस पिक करते हुए निकल जाएं यार ऑफिस के लिए। वैसे इस तरफ से इसलिए आए क्योंकि एक चीज लेते हुए जाना है अपने को, एक चीज खत्म हो रही थी अपने यहाँ, वो है बेसिकली इंक खत्म हो रही थी अपने यहाँ ना, इंक यूज होती है एक मशीन में। सो जी जूस पिक कर लिया है फिलहाल, मॉर्निंग रूटीन भाई, बहुत दिन बाद लिटरली बहुत दिन बाद हैबिट ही छूट गई थी, बट ठीक है चल रहे भाई। फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं और यहीं से ना, मेरे को एक्चुअल में पता नहीं है यार क्योंकि मैंने इससे पहले ना कभी परचेज नहीं किया, अपना टीममेट ही लेके आता था, तो अभी एक बार पूछ लेते हैं, शायद यहीं कहीं लेफ्ट वगैरह में मुड़ के है वो। सो जी फिलहाल ये देख रहे हो इस टाइप की इंक ये लेनी थी अपने को और ले लिया जी। अब चल रहे हैं सीधा ऑफिस फटाफट विदाउट एनी डिले, हिंदी में बोलूं तो गोली की चोट। सो जी फाइनली निकल चुके हैं भाई अपने ऑफिस से, और इतना हैक्टिक शेड्यूल था ना भाई आज का, तो क्या ही बताऊं यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मतलब ये लगा लो कि सीधा लंच का ध्यान है और लंच के बाद फिर सीधा, मतलब लंच में भी इतनी हड़बड़ी थी कि भाई जल्दी से लंच फिनिश करूं और काम में लगूं, और फिर अब शाम ही हो गई यार। अच्छा वैसे शाम होगी, शाम ना हो तो भाई बंदा लगा ही रहे। भाई मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूँ कि जैसे अपने व्लॉग का टाइम है मॉर्निंग में आता है, इसी तरीके से ना अपने शॉर्ट्स का भी टाइमिंग बनाऊं और उन्हीं टाइमिंग के साथ शॉर्ट्स और व्लॉग मतलब आए, क्योंकि क्या होता है अनइवन टाइमिंग पे ना, मतलब आप लोगों को भी नहीं पता होता कि किस टाइम आने वाला है या आ रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रॉपर वे नहीं है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब से जो शॉर्ट्स है ना उनका भी एक टाइम फिक्स करेंगे और उसी टाइम वो शॉर्ट्स आया करेंगे। भाई अब देखो ये हुआ पड़ा है यार यहाँ पर ना,
अब क्या ही करें यार, अपने को शायद इधर से डायवर्जन लेना पड़ेगा और अंदर की साइड ना फिर वही कच्चे वाला रास्ता है। बड़ा डर है यार भाई। फाइनली निकल चुके हैं यार। रात हो गई है लेकिन ना टाइम बहुत लग जाता है, पता है ये जो डायवर्जन होते हैं ना इनमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। देखो निकल आए धीरे धीरे करके माता रानी का नाम लेके, बट टाइम लग गया। सो भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं यार, और डिनर वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है, सब चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, मतलब जो डेली अपना जो बेसिक रूटीन है उससे फ्री हो चुके हैं और लेट भी हो चुके हैं। तो भाई लेट होना तो भाई अपना मतलब इट इज़ वो धर्म है भाई, अब हमारा ना धर्म है लेट होना, अब हमारा धर्म हो चुका है। अगर आपको टाइम दिखाऊं तो भाई इस समय जितना इजीली मैं बोल रहा हूँ ना उतना इजी टाइम है नहीं। अभी देखो अभी आपको टाइम दिखाता हूँ एग्जैक्टली, आप देखना, देख रहे हो 12 बजने में जस्ट 4 मिनट है भाई, 12 बजने में 4 मिनट है और अब मैं मतलब घर पहुंच के जस्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो आप, कहोगे भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, ये भी दिखाता हूँ, ये क्यों ओपन है और अभी क्या चल रहा है। देखो आपको ये भी चीज़ दिखाते हैं, देख रहे हो, और सिर्फ इतना ही नहीं अभी ये देखो इसी के साथ मतलब अ लॉट ऑफ पेजेस, ठीक है, ये देखो मतलब पूरी, आप देख रहे हो पूरी भाई, कितनी एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए भाई कितनी मेहनत लगती है। एक जस्ट आप ओवरव्यू लो, रात के 12 बज रहे हैं और कल वीकेंड है भाई, बट फिर भी ऑफिस जाना पड़ेगा, कल काम है तो कल ऑफिस जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और जाने के बाद आपको पता ही है वहाँ पर कोई काम ही होता है भाई, वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और इसी के साथ भाई फिर उसके बाद वापस आगे, जब आप ऑफिस से वापस आते होगे, आप रिलेट करना, जब आप ऑफिस से वापस आते होगे तो भाई उसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट का काम हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट आफ्टर ऑल मतलब 11 साढ़े 11 बजे तो आप मतलब जब आप खाने पे बैठते हो उसके बाद आप क्या करते हो भाई, उसके बाद डेफिनेटली आप कुछ अपना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखते होगे, फ़ोन या टीवी या वो, बट आपका भाई वीडियो बनाता है आपके लिए। और अब रात को मतलब कि अभी तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ भाई कुछ अपना ना मतलब जो नोट्स बनाने थे वो कुछ अभी रह गए हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पार्ट इज़ कंप्लीट। आपको पता है कि यार ऑलरेडी अपने हमने एक चैलेंज लिया हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का, तो उसी सीरीज़ के रिगार्डिंग ये सारा वर्क चल रहा है, उसी के ऊपर काम चल रहा है और इसी में ही काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती है। तो भाई देखो ऐसे ही सीधा किसी भी प्लेस पे पहुंच के व्लॉग नहीं बन जाता, तो वो व्लॉग बन भी जाता है तो बहुत ही ज़्यादा रॉ हो जाता है और वो एक काइंड ऑफ BTS होता है, वो व्लॉग नहीं होता भाई, वो काइंड ऑफ BTS बन जाता है भाई। तो वो चीज़ ना हो, एक प्रॉपर अच्छा व्लॉग बने, सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, जब मुझे पता होंगी तभी मैं आपको अच्छे से शेयर कर पाऊँगा, तभी मैं भी कॉन्फिडेंस से बोल पाऊँगा ना यार। तो वो सारी चीज़ों के लिए बैक एंड में बहुत सारा वर्क करना पड़ता है भाई, बहुत सारा वर्क सीरियसली यार। तो वो ही सारी चीज़ें आप देखो चलेंगी और लिटरली मेरे 2 बज जाएंगे सोते सोते, फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 के आसपास आपको पता है रेडी होना पड़ता है और निकल जाना पड़ता है, ऑफिस है भाई तो आप खुद ही देख लो कितना मतलब हैक्टिक शेड्यूल चलता है। और इसके बाद भाई फिर ट्रैवल अलग है, तो ट्रैवल के अंदर तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे निकलना होता है और फिर रात को पहुंचते हैं लेट, और फिर वही मतलब अर्ली मॉर्निंग अगले दिन निकलना होता है, तो आप सोच सकते हो कितना ही हैक्टिक शेड्यूल होता है। और इस दौरान देखो अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है और फैमिली को भी टाइम होता है, सारी चीज़ें वो सब भी मैनेज करना है, वो सारा भी बैलेंस रखना है, वो सब अलग है। तो अल्टीमेटली द रोल द यू नो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ कि यार एक्सट्रीम मेहनत है और एक्सट्रीम मेहनत के बाद ही आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ तो भाई दुनिया कर रही है, दुनिया है, सब कुछ है, क्या ही हो रहा है।
ठीक है, तो वो वाली बात है। तो भाई अभी क्योंकि अपने को बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारा बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग है और बहुत कुछ लेकर आएंगे इन द नियर फ्यूचर। बस थोड़ा सा ये वेट है कि आप लोग सपोर्ट करो, फैमिली अपनी बड़ी हो यूट्यूब पे, और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आएगा। ज़बरदस्त इन द सेंस कि क्या ऐसा आ जाएगा भाई, बहुत कुछ ऐसा आ जाएगा, बहुत कुछ डिफरेंट आएगा और बहुत कुछ अच्छा आएगा। देखो अब कोई भी चीज़ होती है ना, जब उसके अंदर वो चीज़ भी आपको सपोर्ट करती है और आपका भी उसके अंदर सपोर्ट होता है, तो उसका मज़ा डबल हो जाता है, 1 और 1 11, है ना। तो वो वाली बात है। और जब कोई चीज़ सिंगल आप ही एक साइड से जोर लगाओगे तो कितना कहाँ तक उसको खींच लोगे, क्या कर लोगे, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। नहीं समझो तो कमेंट कर देना भाई, आपका भाई रिप्लाई कर देगा। तो फिलहाल इस वाले व्लॉग को भी फिर अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा भाई, एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, फिर थंबनेल डालूंगा, टाइटल डालूंगा, ठीक है, अपलोड पे लगाऊंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो करते हैं यार इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगा है, मतलब लगा है कि यू गेट सम वैल्यू, कि भाई लाइफ में यार मोटिवेशन वही है यार कि आप लगे रहो, जो भी काम आप कर रहे हो भाई करते रहो। आप घड़ी देख के काम करोगे तो यार आप कहाँ ही पहुँचोगे भाई। आप देखोगे भाई 10 बज गए, काम का समय है, 5:30 बज गए, छुट्टी हो गई, काम ख़त्म, तो भाई वो 10 से 5 वाली लाइफ में तो भाई कुछ भी नहीं हो पाता आज की डेट में। तो अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालते हैं, बस यही एक लास्ट मैसेज दे रहा हूँ इस वाली वीडियो से। तो आप जो भी, जहाँ पर भी, जिस भी रोल में हो, जिस भी कंडीशन में हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालो कंसिडरिंग योर हेल्थ। डोंट वर्क बाय एग्जरेटिंग योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को डिटीरियोरेट करके अगर आप वर्क कर रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग अ गुड थिंग। आज पैसे कमाने के लिए हेल्थ जा रही है, कल हेल्थ बचाने के लिए पैसा जाएगा, बात वहीं की वहीं रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप वर्क करोगे ना, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी बॉडी की, और फिर आप लॉन्ग टर्म ज़्यादा काम कर पाओगे बॉडी के साथ और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हाँ, आपने एक ही महीने में प्लान कर लिया, हैवी हैक्टिक चैलेंज ले लिया और आपने 5-6 महीने फिर वो फॉलो किया, तो नहीं हो पाएगा भाई, ये सालों की मेहनत होती है। धीरे 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 ग्रेजुअली आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। आप अगर आज 10 से 5 काम कर रहे थे तो धीरे धीरे 10 से 5.5 करो और फिर उसको फॉलो करो एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर, ठीक है। एकदम से यार कुछ भी नहीं हो जाता भाई, एकदम से कुछ नहीं होता, 2 से 3 साल 4 साल लगते हैं आपका एक रूटीन प्रॉपर आने में, और वैसे भी यार इतना टाइम लग ही जाता है हर चीज़ में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पे अगर नहीं होगा ऐसे भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल, कीपिंग यू लाइफ 05, आपके भाई की इंस्टा आईडी, जल्दी जाके फॉलो करो लेटेस्ट अपडेट रील की, सबसे पहले वहीं पर आते हैं। बाय बाय।